दोस्तों क्या सब आप सब दोस्तों, ये बीट मेरी गाड़ी में थोड़ी कल प्रॉब्लम आ गई। हम रात को अच्छा इसमें चला के आए हैं गाड़ी को 60-70 किलोमीटर के आसपास बढ़िया तरीके से, और रात को जैसी गाड़ी खड़ी करी इसमें सीएनजी हमने डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे, तो उसके बाद ये गाड़ी एकदम से सेल्फ नहीं लिया इसमें। तो अगर आपके पास साथ भी कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए या दिक्कत आए तो आपको मैं बताता हूँ कि आपने इजी बाय इजी किस तरीके से चेक करना है कि इसमें क्या दिक्कत हो। ये देखिए अभी इसमें इग्निशन भी सारे आ रहे हैं, कंप्लीट लाइट प्रॉपर आ रही है, वर्किंग आ रही है, मीटर में भी आ रही है। दोस्तों जो इसमें स्टार्टिंग पहली जो प्रॉब्लम होती है तकरीबन वो होती है बैटरी की। कई बार बैटरी का टर्मिनल लूज होने से भी है जो गाड़ी सेल्फ नहीं लेती, और खाली चाबी तक आप घुमाएंगे ऐसे इस तरीके से, पूरा चाबी ऑन करेंगे चाबी ऐसे घुमाएंगे तो ये गाड़ी सेल्फ नहीं लेगी। देखिए कुछ नहीं हुआ इसमें, ये देखिए कुछ नहीं हुआ, बंद होगी लाइट। तो ये बैटरी की लूज से भी हो सकती है, और अगर हमारी बैटरी की दिक्कत दोस्तों पूरी प्रॉपर ठीक है तो इसमें जो है फ्यूज की भी दिक्कत हो सकती है। मेरे हिसाब से फ्यूज उड़ जाए, इसमें कोई दिक्कत हो प्रॉब्लम हो जाए। फ्यूज दोस्तों इसका इस साइड पे होता है, ये मैं चेक कर रहा था अभी, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना ली जाए। ये मैंने साइड वाला जो है पैनल खोल रखा है, फ्यूज इसमें दोस्तों हमने देखना है, इस हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें दोस्तों फ्यूज लिखा है, और इसमें सब कुछ साथ में लिखा भी होता है दोस्तों कि ये फ्यूज कौन सा है और किस नंबर का है। ये देखिए इसमें सब लिखा हुआ है कि ये फ्यूज कितने नंबर का लगा है इसमें और किस चीज़ का है। ये देखिए रियर वाइपर का है, फ्रंट वाइपर, स्पेयर फ्यूज, बैकअप, टर्न सिग्नल, डीफोगर, ये क्लस्टर है या ब्लोअर का है, एसी ब्लोअर जो अंदर होता है। ये रियर विंडो वाइपर जो लगा हुआ है इसमें, ये फ्रंट विंडो वाइपर का है, और ये जो रेडियो को लगी है अंदर जो रेडियो लगा है, और ये स्टार्टर का सेल्फ है। देखो ये 10 एम्पियर का लगा है इसमें स्टार्टर का सेल्फ। ये दोस्तों हम चेक करते हैं निकाल के कहीं ये ना उड़ गया हो। फ्यूज दो हमने निकाल लिया है ये, और फ्यूज तो ठीक है ये वाला, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखेगा तो इसमें देखिए आपको इसमें नजर आ रहा होगा, ये फ्यूज जो है ठीक है दोस्तों। ये फ्यूज इसमें बाहर भी होता है, ये फ्यूज बक्से में, ये जो फ्यूज बक्सा लगा हुआ है इसको इस तरीके से यहाँ से ये प्रेस करेंगे और ये बाहर आ जाएगा। अब इसमें दोस्तों यहाँ पे भी इसी तरीके का दे रखा है डायग्राम सारा, देखिए इसमें हमने देखना है स्टार्टर रिले। ये रहा दोस्तों इसमें बैटरी के सामने इग्निशन स्टार्टर 40 एम्पियर, हो सकता है दोस्तों यही फ्यूज़ ख़राब हो इसमें। दिखाते हैं दोस्तों निकाल के, यही फ्यूज उड़ा हुआ निकला दोस्तों इसमें, ये आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, ये फ्यूज दोस्तों निकला है। तो फॉल्ट ये 2-3 फ्यूज की प्रॉब्लम थी इसमें, बाहर जो फ्यूज लगा हुआ था आपने देख लिया, मैंने वीडियो में आपको दिखाया कि स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से चेक करना अगर आप कहीं बाय चांस बीच में कहीं फंस जाए तो। अगर तब भी दोस्तों ये ठीक इससे नहीं ठीक होता है तो फिर इसमें स्टार्टर मोटर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी वो रियर होता है कि इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती स्टार्टर रिले वो सल्फ वगैरह, ये छोटी जो फ्यूज वगैरह ही पहले चेक करना चाहिए। अगर इससे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर स्टार्टर मोटर तो चेक करवानी पड़ेगी या मैकेनिक से किसी से। बाकी ये मैंने जो अपना घर में चेक करने के लिए आपको वो तरीका बताया है।